तो वही मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित की गई। इस बैठक में दतिया में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की मंजूरी दी गई। इसके साथ ही बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी सौगात देने की घोषणा भी की गई। इसी पर देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस बार कई अहम फैसलों पर मुहर लगी, जिसमें काफी दिनों से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही रीवा शहडोल रोड पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र को लेकर भी अहम कदम उठाए गए। तो जानिए आखिर शिवराज कैबिनेट की बैठक में किन फैसलों पर मुहर लगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। दतिया में पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने की मिली मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी। महंगाई भत्ते की राहत दर 1 अगस्त से लागू करने को मिली मंजूरी। भरतपुर से जिगना तक 2-लेन डामरीकृत सड़क को दी स्वीकृति। रीवा शहडोल रोड पर छुहिया घाट के अंधे मोड़ पर जाम से मिलेगी मुक्ति। निवाड़ी में आबकारी अमले के पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। जिला पंजीयक स्टेनोटाइपिस्ट भत्ते के 1-1 पदों को स्वीकृति। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन आने वालों को पदों की दी स्वीकृति। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के पदों की स्वीकृति। प्रदेश में 3 स्टेट हाईवे पर टोल लेने की दी गई मंजूरी। चुरहट में सहकारिता विभाग की डालडा फैक्ट्री के स्क्रैप को बेचने की दी गई मंजूरी। सहकारिता विभाग का तिलहन संघ का देवास में भूमि भवन परिसंपत्ति बेचने का फैसला। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना में कैबिनेट ने किया बड़ा संशोधन। परिजन की 6 लाख से ज्यादा आय होने पर भी छात्र को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आप बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। कैबिनेट के निर्णयों में आज दतिया में मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति दतिया के अंदर दी गई है। इसमें जो ड्राइवरों के हेतु प्रशिक्षण कोर्स चलाए जाएंगे, इसमें 30 करोड़ उपकरणों के लिए रखे हैं और 90 लाख रुपए, इस प्रकार 31 करोड़ 12 लाख रुपए का वित्तीय प्रस्ताव पर भी सहमति दतिया के लिए दी गई है। जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी शासकीय सेवकों और पेंशनरों के देय महंगाई भत्ते की, जो राहत दर 1 अगस्त से लागू करने थी, आज उसका अनुसमर्थन कैबिनेट के द्वारा किया गया है। वहीं कैबिनेट की बैठक में 11 अक्टूबर को उज्जैन में शिव सृष्टि का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर मंत्रियों के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें सीएम ने योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक्शन प्लान बनाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूज भोपाल।